धम्म पद गाथा क्रमांक 400, आज दिनांक 22 फरवरी 2021, ये धम्म पद के गाथा की देशना तथागत भगवान बुद्ध ने वेणुवन राजगृह में की है, सारी पुत्र स्थविर को उद्देश्य करके ये गाथा है। अको धनवतवंतं शीलवंतं अनुसदं दंतं अंतिम शरीरं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ति दंतं अंतिम शरीरं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ति। ब्राह्मण वर्ग की ये धम्मपद की गाथा है जो अरहत सारी पुत्र को उद्देश्य करके तथागत भगवान बुद्ध ने राजगृह के वेणुवन विहार में विहार करते समय ध्यान साधना हेतु वहाँ रहते समय तथागत बुद्ध ने ये बड़ी महत्वपूर्ण गाथा की देशना राजगृह में की है। अरहत सारिपुत्र स्थवीर बहुत प्रज्ञा को जगाए हुए, बहुत प्रज्ञाशाली, बहुत शीलवान और बहुत पुण्य पारमिता वाले अरहत सारिपुत्र थे, जिन्होंने बुद्ध के संपर्क में आकर दीक्षा ली। तथागत भगवान बुद्ध ने उनके पूर्व पुण्य को जानकर, पूर्व पारमिताओं को जानकर धम्म सेनापति के बड़े गौरवपूर्ण स्थान पर उनकी नियुक्ति की, उन्हें प्रतिष्ठित किया और सारिपुत्र ये बड़े अच्छी तरह भिक्खु संघ को संभाल रहे थे। एक बार सारिपुत्र स्थवीर अपने 500 शिष्यों के साथ वो नालक ग्राम में अपनी माता के घर में चले गए। वो नालक ग्राम जहाँ सारिपुत्र का जन्म हुआ था, उनके माता का नाम था सारी ब्राह्मणी, इसीलिए उन्हें सारी पुत्र करके माता के नाम से ही उन्हें जाना जाता था। तो जब ये 500 भिक्षुओं के साथ सारी पुत्र अपने माता के घर में गए तो माता ने सभी संघ का बहुत बड़ा सम्मान किया, सत्कार किया, सम्मान किया और बहुत आदर पूर्वक सम्मान से उन्होंने 500 भिक्षु संघ को, 500 भिक्षुओं को बहुत आदरातिथ्य करके भोजन की व्यवस्था की, बड़ा अच्छा भोजन बनाया। और भोजन बनाने के बाद वो अपने बेटे को, जो सारी पुत्रों को कहने लगी, अरे बेटे तुम उच्छिष्ट भोजन वाले हो, तुम दूसरों का उच्छिष्ट भोजन यानी जिसे हम कहते हैं कि झूठा भोजन या बासी भोजन, ऐसा भी तुम्हें कभी दिया जाता है, ऐसा तुम खाते हो। हे सारिपुत्र,
तुम तो दूसरों के दरवाजे पर भिक्षा पात्र लेकर खड़े रहते हो कि मुझे कचड़ी भर थोड़ी कांजी मिल जाए, मुझे कचड़ी भर कुछ दांत मिल जाए, इससे तुम खड़े रहते हो सारिपुत्र। तुम जानते हो सारिपुत्र, तुमने 80 करोड़ की संपत्ति को छोड़ दिया। यह 80 करोड़ की संपत्ति तुम्हारी है, इस सबको तो तुमने छोड़ दिया, और यह सारे इतने बड़े धन को छोड़कर तुम ऐसे लोगों के दरवाजे पर जाकर खड़े रहते हो। तुमने तो तुम्हें भी तुमने बर्बाद किया, और तुमने तो हमारा भी सत्यानाश कर दिया। ऐसी उनकी जो वृद्ध माता है, वो उनको कोस रही थी, बड़े क्रोधित आकर उनको अपने बेटे को बोल रही थी, और इसी प्रकार वो खाना भी परोस रही है, लेकिन अपने बेटों को अपने अधिकार से बोल भी रही है, और वैसे ही फिर वो भिक्षुओं को भी बोलने लगी, जो भिक्षु उनके साथ थे उनको भी बोलने लगी कि भिक्षु वो तुमने तो मेरे पुत्र को अपना नौकर बना दिया है। इस प्रकार का वचन वो भिक्षु को भी बोल गई, और भिक्षु को भी उन्होंने बड़े श्रद्धा से प्यार से खाना खिलाया, लेकिन उनके मन की भावना वो व्यक्त करते रही। वो ये नहीं जानती थी कि सारिपुत्र ने क्या पाया, कैसे लोकोत्तर महानतम ऐसे परम सत्य का सद्धम का साक्षात्कार किया, कैसे वो परमोच्च पद को लोकोत्तर अवस्था को पाकर क्या पाया और क्या लोगों को बांट रहे हैं, इसका ज्ञान उनके माता को नहीं था। वो बाद में एक लंबी कहानी है, लेकिन इस गाथा के साथ ये आता है कि ये 500 भिक्षुओं को उन्होंने खाना खिलाया माता ने, और उसके बाद ये सभी भिक्षुओं ने खाना भोजन किया, खाना खाया, और भोजन के बाद ये सब लोग वेणुवन में राजगिरी के चले गए। वैसे सारिपुत्र को क्या बल था, वह कैसे देवी देवताओं के भी पूज्य माने जाते थे, कैसे देवी देवता सारिपुत्र को प्रणाम करते थे, वंदना करते थे, इसका दर्शन जब उनकी माता ने किया अंत में, तो तब माता बहुत भाव विभोर संवेग उसको प्राप्त हुआ कि क्या मेरे बच्चे में इतनी बड़ी शक्ति है, मैं जिनकी पूजा वर्षों से करते आ रही हूँ, वो देवतागण, वो शक्र देवता, इंद्र देवता, ब्रह्म देवता मेरे बच्चे के, मेरे लड़के को मिलने के लिए आते हैं। ये जब उन्हें एहसास बाद में हुआ, अभी नहीं हुआ था, लेकिन बाद में उन्हें एहसास हुआ, तो वो बहुत संवेग उनको हो गया, धम्म के शक्ति का उन्हें एहसास हो गया, और वो श्रोतापन्न बन गई। लेकिन सारिपुत्र ने उन पर कोई जबरदस्ती नहीं की, वो तो अंतिम बात थी, लेकिन इस घटना के साथ जुड़ी हुई बात है कि ये सभी लोग भोजन करके वेणुवन के विहार में चले गए। वहां जाकर जो राहुल थे, राहुल ये तथागत भगवान बुद्ध के गृहस्थी जीवन के वो पुत्र थे, तो राहुल ने वहां जाकर
बुद्ध को पिंडपात के लिए पूछा, और जब पिंडपात के लिए पूछा तो बुद्ध ने राहुल को प्रति प्रश्न पूछ लिया। बुद्ध ने राहुल को पूछा, राहुल आज तुम कहाँ गए थे, कहाँ से आ रहे हो, कहाँ गए थे? तो उन्होंने उत्तर दिया कि बंते हम तो दादी के ग्राम में गए थे। दादी यानी सारी पुत्र की माता, हम तो दादी के ग्राम में गए थे। तो क्या हुआ वहां पर? तो उन्होंने बता दिया बुद्ध को, बंते दादी तो ये बहुत क्रोधित हो गई थी। और क्या कहा दादी ने तुम्हारे उपाध्याय को, क्योंकि राहुल के उपाध्याय सारी पुत्र थे, अर्थ सारी पुत्र। तो बुद्ध ने पूछा क्या कहा तुम्हारे उपाध्याय को? तो उन्होंने सारी बातें बता दी कि बहुत क्रोधित थी और बहुत उन्होंने उनको इस प्रकार से धमकाया, इस प्रकार से कोसा, बहुत वो हमारे उपाध्याय को बोलते रही। फिर बुद्ध ने पूछा तब सारिपुत्र ने क्या कहा? राहुल बता रहे कि सारिपुत्र शांत थे, कुछ भी नहीं बोले, कुछ भी नहीं कहा सारिपुत्र ने। ये बात जब बुद्ध ने सुनी और ये सुनकर धर्म समावी तथागत बुद्ध भिक्षुओं को बताने लगे, चर्चा करने लगे, बताने लगे देखो भिक्षु हो, ये अर्हत सारी पुत्र कितने शांत है, कितने क्षमाशील है, कितने अद्भुत गुण इन अर्हत सारी पुत्र में है। माता के अपशब्दों को सुनकर, माता के क्रोध को सुनकर भी माता ने उसको अपशब्द से फटकारा, लेकिन माता ने फटकारने के बावजूद भी सारी पुत्र के सद्गुण देखो, वो माता को एक शब्द भी नहीं बोले, क्रोध नहीं आया उसके मन में माता के प्रति, क्योंकि वो तो सांसारिक जीवन में जीने वाली माता है, उनका चित्त सर्वसामान्य चित्त है। तो उनके प्रति सारी पुत्र के मन में करुणा ही आई। सारी पुत्र ने माता के अपशब्द का प्रत्युत्तर नहीं दिया, जो क्षीणास्त्रव होते हैं, क्षीणास्त्रव भिक्षु जिन्होंने अपने सारे आश्रवों को नष्ट कर दिया है, जिन्होंने उस अरहत फल को पा लिया है, ऐसे अरहत फल को पाने वाले उस व्यक्ति के चित्त में, उसके मन में क्रोध नहीं होता, द्वेष नहीं होता, क्रोध कभी उसके मन में नहीं जागता। ये गुण अरहत सारी पुत्र में है, ये अगुण अरहत सारी पुत्र में है। और ये गुण जो भी अरहत होता है उनमें ये गुण आ जाते हैं, वो कभी क्रोध नहीं करता, वो हमेशा शील सदाचार का ही पालन करता है, वो हमेशा व्रतों का, नियमों का पालन करने वाला होता है। उनकी तृष्णा संसार के प्रति, भवों के प्रति खत्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है। उनकी इंद्रिय संयमित होती है, उनके काबू में होती है उनकी इंद्रिय, वो उनके मास्टर बनते हैं, पूरी तरह उनका, उनकी काबू होती है इंद्रियों पर, और
ये जो सारिपुत्र है ये सारे गुणों से परिपूर्ण है, 13 धुतांग की इन्हें जानकारी है, परिशुद्ध शील वाली यह है और लोकोत्तर फल को इन्होंने प्राप्त किया, उनका साक्षात्कार किया है। तो ये सारिपुत्र के मन में कभी क्रोध नहीं पनपेगा, कभी द्वेष नहीं आएगा, नहीं आ सकता। सारे दुख पर उसने विजय पा लिया है। ऐसे ही को तो मैं ब्राह्मण कहता हूं। यही तो सही ब्राह्मण होता है। ये बात तथागत बुद्ध ने इस ब्राह्मण वग्ग में कही है और ये गाथा है, अकोधनं वतवंतं शीलवंतं अनुसदं दंतं अंतिम शरीरं तमहं बुर्मी ब्राह्मणं। जिन्होंने सारे क्रोध को नष्ट कर दिया, शील का व्रत का वो पालन करते हैं, शरीर को जिन्होंने संयमित किया, इंद्रियों को संयमित जिन्होंने किया है और जिन्होंने उस लोकोत्तर फल का साक्षात्कार किया है, उन्हें ही मैं ब्राह्मण कहता हूँ। तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं इति। तो ये गाथा सुनकर बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे साधकों को श्रोतापन्न फल की प्राप्ति हो गई। बुद्ध की वाणी, बुद्ध की एक गाथा सुनकर भी लोगों का बहुत बहुत बड़ा लाभ होता है, क्योंकि वो गाथा उस तथागत बुद्ध के अनंत कल्याणकारी, अनंत मैत्रीमय वाणी से वो गाथा आती है। उनके परिशुद्ध चेतना से, उनके चित्त से मंगल मैत्री पूर्वक वो गाथा आती है, इसलिए उसमें बहुत बड़ी शक्ति उस बुद्ध के वाणी में, गाथा में जुड़ी हुई होती है। केवल वो गाथा शब्द नहीं होते, उनके साथ अनंत अनंत कल्याणकारी मंगल मैत्री की धारा होती है, मंगल मैत्री भरी होती है और वो सुनते ही लोगों का कल्याण होने लगता है। लोगों को एक अच्छी परम कल्याण करने वाली वाइब्रेशन मिल जाती है, तरंगे मिल जाती है। तो ये गाथा जब सुनी भिक्षु संघ ने, तो कई नए जो भिक्षु थे सुनकर ही श्रोतापन्न फल को पा गए। बहुतों को कल्याण हुआ, बहुतों का कल्याण हुआ और तथागत बुद्ध ने सारिपुत्र की प्रशंसा की, बहुत मंगल हुआ। इस गाथा द्वारा लोगों का भी, आप सबको सुख शांति मिले, सबको निरोगत्व मिले, आपको लंबी उम्र मिले, आपके परिवार के छोटे बड़े सभी को सुख शांति मिले। आप सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधि महाथेरो, आप सबका मंगल हो। आप आज हमने जो एक गाथा, एक सूत्र जय मंगल अठ गाथा, उन्हें हमने आज कुछ घंटे पहले YouTube पर लोड किया है। बहुत बड़ी शक्ति होती है जय मंगल अठ गाथा में, उसे सुनिए और उसे याद करिए, अपने घर में बार बार लगाइए, बार बार सुनते रहिए। जय मंगल अठ गाथा में भी बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ी शक्ति। वो बुद्ध वाणी है, अरहतों की वाणी है, महान कल्याणकारी है, उसका भी लाभ लीजिए। आप सबका मंगल हो।
सबका मंगल हो।